बेम्बू प्लांट, मनी प्लांट, सिंगोनिया, स्पाइडर प्लांट, एलोवेरा, नागफनी, ये सब इंडोर प्लांट्स हैं। चलिए आज मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। बने रहिए मेरी वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल आचार्य गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये सबसे अच्छा मेरे लिए ये पौधा है बेम्बू प्लांट। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। देखिए ये डाइनिंग टेबल पर मैं रखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ दिन पहले मैं लेकर आई थी, बहुत ही छोटा सा पौधा था और अब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैं इसकी बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। इसको सिर्फ मैं इसमें पानी ही चेंज करती हूँ। एक कांच की बोतल में देखिएगा, मैंने इस तरीके से लगा रखा है। ये इस तरीके से स्टिक है, ये मैं 35 रुपीज़ की एक स्टिक इसकी लेकर आई थी। इस तरीके से ये 500 550 का मेरा बैठा था। और आप देखिएगा इसकी, ये जब मैं लेकर आई थी, आप इसके रूट्स देख रहे हैं, इसमें नई नई रूट्स भी आ रही हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। इस तरीके से पानी में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। सिर्फ हमको इसमें पानी हफ्ते में एक बार चेंज करना होता है। देख, जब ये पानी गंदा लगने लगता है तो इसको पानी हम चेंज कर देते हैं बस, और कुछ इसको ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं है। ये है एलोवेरा। एलोवेरा ये मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में लगा रखा है, अच्छे से ग्रो हो रहा है। पानी बहुत कम इसमें डालने की जरूरत, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। इंडोर प्लांट्स हैं, धूप की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर पौधे को धूप, इनको समय समय पर हफ्ते में एक बार बाहर धूप में रख दें तो ज़्यादा ठीक रहता है, नहीं तो ये बिना धूप के भी सर्वाइव कर जाते हैं। पानी बहुत कम डालना है। जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी इसमें हल्का सा पानी डालना है। इसके बाद आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट ये मैंने कांच के ग्लास है, ये थोड़ा सा क्रैक हो गया था हल्का सा, इसमें मैंने डाला है। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसी तरीके से आप कटिंग लगा करके आप कांच के ग्लास, कप या कोई भी शीशी हो उसमें आप लगा सकते हो। और इसमें कुछ मैंने स्टोन्स भी डाल रखे हैं। इसके बाद आता है स्पाइडर प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत है, छोटा सा ही है, ये घना होता जाता है। पानी इसमें भी बहुत कम डालना है और ऑक्सीजन प्यूरीफाई पौधा है। हवा को शुद्ध रखता है और हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत फायदेमंद रहता है। जब हवा शुद्ध रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ये है नागफनी, इसको सेंसेवेरिया भी बोलते हैं। ये एक छोटे से ही प्लास्टिक के कंटेनर में मैंने ये लगा रखा है। ये एक मैंने छोटा सा लगाया था, काफी घना हो गया। देखो कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। पानी इसमें बिल्कुल भी बहुत ही कम डालना होता है। 8 से 10 दिन के अंदर पानी डालो। और बिल्कुल जब सूर्य, अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा पानी इसमें डाल देते हैं तो इसकी पत्तियां गलने लगती हैं और एक एक करके ये पत्तियां खराब होने लग जाएंगे। तो समझना आपने पानी इसमें ज्यादा डाला है, कम ही पानी इसमें डालना है। इसके बाद आता है, देखो ये है हमारा जेट प्लांट, एलिफेंट सेरेमिक। सेरेमिक का ये एक एलिफेंट है। कितना खूबसूरत पॉट है, खूबसूरत पौधा है। ये है जेट प्लांट, इसको लकी प्लांट बोलते हैं। बहुत ही लकी, घर में शुभ होता है। आप इस पौधे को भी घर में जरूर से जरूर लगाना। बहुत इसमें कोई भी इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी टू ग्रो पौधा है। पानी बहुत कम डालना है, 8 दिन के अंदर डालना है। लेकिन बीच में आप 8-10 दिन में इसको धूप में थोड़ा रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही होता है। छोटे से छोटे पॉट में भी ये सर्वाइव कर जाता है। देखो ये एक छोटा सा कछुआ है, इसमें भी मैंने जेट प्लांट की ये कटिंग लगा रखी है। इसी तरीके से ये ग्रो होता है इसमें। इसके बाद आता है ये सिंगोनिया है, इसमें भी कोई पानी आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कम धूप में चलता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बहुत घना भी हो जाता है, पौधे घर के अंदर बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये छोटा है बेम्बू प्लांट, ये इसी का ही एक छोटा है। इस तरीके के इसके स्टिक आती है छोटी छोटी, ये इस तरीके से हमने लगा रखे हैं ये अलग अलग। ये एक कांच के ही बोतल में है। देखो ये कितना खूबसूरत है, पॉट है कांच का, इसमें ये लगा रखा है। छोटा सा लेकर आई थी, ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। सेंटर टेबल पर आप इसको रख सकते हो, मैंने इसको सेंटर टेबल पर रख रखा है। ये मेरे डाइनिंग टेबल पर रख रखा है। और फिर इसके बाद मैंने ये छोटा सा ये बना दिया। ये देखो मनी प्लांट भी मैंने इसमें लगा रखा है, एक कांच की शीशी थी, ये कांच की शीशी में मैंने मनी प्लांट लगा रखा है। अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये इस ट्रे को मैंने सजा करके यहाँ लगा दिया है। तो इसी तरीके से आप इंडोर प्लांट्स घर में रख सकते हो, जिससे कि हमारे घर के अंदर जो हवा रहती है, हवा शुद्ध होती है, प्यूरिफाइड पौधे हैं।
इनको घर में आप जरूर लगाइएगा और घर की खूबसूरती बढ़ाइएगा, ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया में अच्छा लगता है। तो और बीच बीच में इनको थोड़ा थोड़ा धूप आप जरूर दिखाते रहिएगा। तो चलिए बनते हैं, आगे फिर मिलते हैं आपसे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में बताना कैसा लगा। बाय बाय।